नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा प्रयागराज मार्ग में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा। रीवा से जा रहे ट्रक ने कलवारी मोड़ में ढाबे के पास चार बसों को मारी ठोकर, दो बसें पलटी। मौके पर गढ़ पुलिस पहुंची, बेहतर बात कोई हताहत नहीं। रीवा प्रयागराज रोड में एक बार फिर हुआ एक्सीडेंट। ट्रक ने चार बसों को ठोकर मारी। दुर्घटना कलवारी मोड़ में एक यात्री बस को बचाने के चक्कर में हुई। ट्रक ने चार बस को ठोकर मार दी, दो बस पलट गई। रीवा जिले के प्रयागराज मार्ग नेशनल हाईवे 30 में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक्सीडेंट में बेहतर बात यह रही, कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। एक्सीडेंट आज सुबह कलवारी में सुबह 5:30 के आसपास हुआ। चश्मदीदों के अनुसार सड़क पर ढाबे के पास कई ट्रक खड़े थे। इसी बीच रीवा की तरफ से आ रहे प्लाई लदे ट्रक ने सड़क पर खड़े यूरिया से लदे ट्रक और चार बसों को ठोकर मार दी, जिससे दो बसें पलट गईं। यह सड़क दुर्घटना 90 बस को बचाने के चक्कर में हुई। ट्रक चालक ने अपना ट्रक से नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। दुर्घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया, चाकघाट नारी बारी में नो एंट्री लगती है, फिर नो एंट्री छूटते ही सभी वाहन तेज गति से हाईवे सड़क पर निकलते हैं। आज सुबह 5:30 के आसपास दुर्घटना हुई, उसकी एक वजह यही मानी जा सकती है। फिलहाल बड़ी बात, कोई जनहानि नहीं। ट्रक ने यात्री बस को बचाने के चक्कर में ढाबे में खड़ी चार बसों और एक ट्रक को ठोकर मारी, जिससे दो बसें पलट गईं। ट्रक में लदा यूरिया सड़क पर बिखर गया। मौके पर गढ़ पुलिस पहुंची, राहत बचाव जारी है। हम आपको बता दें, ट्रक ने सुबह 5:30 के बीच ठोकर मारी। ट्रक क्रमांक UP 70-74-47 रीवा की तरफ से जा रहा था। कलवारी मोड़ के आगे उसने चार बसों को ढाबे के पास ठोकर मारी। MP 17 PO 672, MP 17 PO 641, MP 17 PO 641, MP 17 03 214 इन चारों बसों को ट्रक ने ठोकर मारी। बेहतर बात ये रही कि किसी भी तरीके की कोई भी जनहानि नहीं। हमने स्थानीय जनों से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था एक्सीडेंट को लेकर। स्थान ग्राम पंचायत है, कलवारी है। कलवारी में आज सुबह है 5:30 बजे भीषण ट्रक हादसा हुआ। किसी व्यक्ति के हताहत और दुर्घटना की होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। रीवा तरफ से ट्रक आ रहा था UP 70 FT 74-47, जो कलवारी मोड़ के आगे चार बसों को ठोकर मारते हुए ढाबे में घुस गया। जिन बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है उसमें MP 17 P 0 672, MP 17 P 0 685, MP 17 P 0 641, MP 17 0 P 300 214 ये वाहन क्षति हुई है। ट्रक सीधे जाके गाड़ी के अंदर घुस गया है। टायर की दुकान, ये तेज गति से वाहन निकलने का मेन कारण इस ट्रक के आगे नफीस बस थी। बस को बचाने के लिए सीधे ट्रक ने अनियंत्रित होकर घुस गया। जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि चाकघाट नारी बारी में 6 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री लग जाती है, जिससे ट्रक तेज गति से निकलने का प्रयास करते हैं और क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटना घटित होती है। आज बड़ी घटना नहीं घट पाई, लेकिन चार बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनकी फोटो सामने दिख रही है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।